हाय मेट्रोपोलिस व्यूअर्स, किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिनके बच्चे होते हैं, जैसे कि मेरे दो बच्चे हैं। लेकिन इस दुनिया में वो लोग भी हैं जिनके पास बच्चे नहीं हैं। लेकिन मैं आज आपको ले चल रहा हूँ भारत के एक शहर आनंद में, जहाँ पर बच्चे पैदा किए जाते हैं, यानी कि कोक किराए पर दी जाती है। ड्राइवर साहब, आपके कितने बच्चे हैं? तीन बच्चे हैं सब। लेट हो गया। लेट हो गए यार। वेरी हॉट। भाई साहब, आनंद कितने दिन में पहुंचाओगे? सुबह 7 बजे। आपके बच्चे बच्चे हैं कि नहीं है? दो अपने ही है ना। आपको आपको पता है आनंद में दूसरों के बच्चे पैदा हो रहे हैं? नहीं पता? अरे आनंद चलो, बताएंगे हम आपको। Appears to be good. I don't know कैसा है खाना, but अच्छा लगता है। अंडरपास ना? हाँ अंडरपास। हम जा रहे हैं आकांक्षा फर्टिलिटी। तो ये है सरोगेट हाउस, जहां पे रहती हैं सरोगेट मदर्स, यानी कि वो माएं जो कि माँ बन रही हैं किसी दूसरी माँ के लिए, जो कि बच्चा पैदा नहीं कर सकता, यानी कि यहाँ पे किराए की कोख मिलती है। आइए चलते हैं सरोगेट हाउस में। मसाला है सब्जी में डालने का। कौन सी सब्जी में? वो सब्जी बनाते हैं, सब सब्जी में डाला उसको। लेकिन क्या क्या है उसमें? लहसुन, सूखा लहसुन और मिर्ची और नमक। नमक? इतनी मिर्ची खाती हैं आप? नहीं, थोड़ी थोड़ी डाल के खाने की सब्जी में। इतनी थोड़ी सी डालने की है? लाल मिर्ची उसके लिए। वो सब्जी फिक्की आती ना, एकदम फिक्की आती है, वो तेज नहीं आती ज्यादा, उसके लिए थोड़ी ये डाल के खाने की। यहाँ में हमने दुकान की थी ना, उसमें हमारा बहुत हो गया, कर्जा हो गया, उसके लिए मैं आई। पैसा नहीं है अभी हमारे पास, दो बच्चे हैं मेरे।
लड़की 13 साल की और लड़का 12 साल का है। आपके गांव में सबको पता है कि आप एक सरोगेट मदर हैं, तो गांव वाली औरतों की क्या फीलिंग है, उनको कैसा लगता है? उनको नहीं अच्छा लगता, वो लोग यूँ कहते हैं ये खराब काम है, ये काम अच्छा नहीं है। वो लोग यूँ बोलते हैं ये काम तो अच्छा है, गलत काम थोड़ी है। वो लोग मेरी बातें बहुत लोग करते हैं, मैंने कहा छो बातें करे, वो लोग थोड़ी अपनों को पैसा देने के। तो फिर आप पहली बार सरोगेट मदर? हाँ पहली बार। कितने महीने हो गए? अभी मुझे 8वां लगा है, 30 तारीख को। कितना पैसा मिल जाएगा? एक बच्चे का 375,000 और दूसरा बच्चा है उसका 82,000। आपके जुड़वा? हाँ ट्विंस है। इस पैसे का क्या करेंगे आप? 375,000 रुपये वो कर्जा देने का है ना, हमारे कर्जा देने का है, घर का 1,00,000 रुपया देने का है और 2 बच्चों को पढ़ाने के है, हमारे घर छुड़ाने का है, 1,00,000 में रखा है घर। मेरे बच्चे मेरी सास के पास रहते हैं, मेरी सास रखती है और मेरी बहनें भी 2 आएगी। हम 3 बहनों की एक ही घर में शादी की है, मेरे बच्चे वो लोग रखते और मैं यहाँ आ गई। पैसे नहीं, वो नहीं बनी, वो मेरे से बड़ी है, उनको नहीं लेने, उम्र ज़्यादा है उनकी। कल को आपके पति ने मना कर दिया, नहीं भैया 2 बच्चे हम रखेंगे फिर? अपने से ऐसा ना बोला है ने, उनका बच्चा वो इतना सब खर्चा करता है, अपने पे इतना सब उन्होंने खर्चा किया है, अपने से ऐसा ना बोला है ने कि बच्चा हम ले लें। शेड्यूल रहता है, सुबह उठते हैं क्या करते हैं सारा दिन भर? सुबह उठ के तो कुछ नहीं, हम तो दवा पी के ना सो रहे थे, वो टीवी सीरियल देखते हैं बस। तमें मेहंदी ड्रो करो, तमें हाथ में करो, मैडम ये क्या सिखा रही हैं आप? मैं थ्रेडिंग करा रही हूँ। अच्छा क्या मतलब? आईब्रो। मैं थ्रेडिंग सिखाती हूँ, वैक्सिंग सिखाती हूँ, हेयर कटिंग, मैनीक्योर, पेडिक्योर, फेशियल, ब्लीच, वैक्सिंग और ये लोग का जब फ्री मंथ होता है ना तो उसमें हेयर स्टाइल, मेकअप, साड़ी सब। यानी कि जब यहाँ से जाती हैं तब तक अच्छी ब्यूटिशियन, आपसे अच्छी ब्यूटिशियन बन के जाती हैं? वो तो उसके ऊपर डिपेंड है, वो जितना बैठ सकती है और जितना वो कर सकती है उतना ही करती है, वो ज़्यादातर बैठ नहीं सकती है। 7वें महीने के बाद वो थोड़ा कम बैठती है और थोड़ा कम सीखती है, तबीयत अच्छी रहती है नहीं रहती है सब सब कुछ है, पर सीखती है, जिसको इंटरेस्ट है वो पूरा सीखती है। बच्चा किसका है? कौन लोग हैं आपको फोन करते हैं? हाँ करते हैं फोन। कौन लोग हैं? ऐसा कैसे आप अच्छे हो? हाँ मेरी तबीयत अच्छी है, तुम कैसे हो? अच्छे हो ना? आप आने वाले हो आते महीने? आज मैं एडमिट होने वाली हूँ दवाखाने में, हाँ मैडम ने बोला है आज एडमिट में हो जाऊंगी दवाखाने में हॉस्पिटल। हाँ अच्छा आना तुम। सना जी किसका फोन था, क्या कह रहे थे? वो यूँ बोलते तुम्हारी तबीयत अच्छी है, मैंने कहा हाँ अच्छी है। वो एडमिट कब होने का आपको? मैंने कहा आज एडमिट होने का है हॉस्पिटल में। आज ही होने वाली है? हाँ अभी 3 बजे। वो अमेरिका के, वो दुबई में रहते हैं, क्रिश्चियन है। अब आते महीने वो लोग आए ना क्या बच्चा लेने, उसके 17 साल हुए शादी के उनके, अभी बच्चा उनके नहीं है। क्या फर्क था? अब फर्क है या पहले आपके जब बच्चे हुए तब भी फर्क था? ये ऐसे ही थी ना? वो तो फर्क नहीं, यहाँ तो कैसा कुछ खाने का नहीं खाए, जब भी वो वामिटा हो जाए, और इसमें तो बहुत तकलीफ पड़ती है और घर के बच्चों में तो कुछ तकलीफ नहीं। अरे ये तो दवा के बनते ने, वो तो सब दवा का बनता है। अब ये नई लड़की कौन है? ये नई साल लड़की आई है सरोगेट के लिए। अच्छा तो आप सरोगेसी के लिए आई हैं? अच्छा हाँ बोल। हाँ क्यों आपने फैसला किया? खुद के लिए और बच्चों के लिए।
घर वाले तकलीफ देता है क्या, मार पीट करते है, पीना पीता दारू पीता है, सब करता है, मुझे क्या मार पड़ रहा है, क्या ऐसे घर वाले को छोड़ो। हाँ छोड़ना पड़े ना, बच्चों के लिए क्या करेंगे। कितने बच्चे हैं आपके? हमारे दो है। ये पहली बार सरोगेसी में? हाँ पहली बार। यहाँ पर हैं सरोगेट मदर्स, जो कि दूसरों के लिए माँ बनने का गौरव प्राप्त करती हैं। आइए चलते हैं इस आकांक्षा फर्टिलिटी क्लिनिक में। तो कई ऐसे कपल्स हैं जिनको वाइफ को बच्चेदानी में प्रॉब्लम है, या तो नहीं है या निकाल दी गई है। तो IVF की जो ट्रीटमेंट है उसके साथ सरोगसी की भी ट्रीटमेंट करते हैं, जिसमें किसी कपल को अगर उसकी बच्चेदानी अच्छी नहीं हो या सरोगेट की ज़रूरत पड़े, जैसे निकाल दी गई हो या कुछ प्रॉब्लम हो कार्डियक और वाइफ बच्चा कैरी नहीं कर सकते, उनके लिए हम सरोगेट के भी अरेंजमेंट कर देते हैं। और उसी कपल का एम्ब्रियो बना के गर्भ जो बनता है वो सरोगेट की बच्चेदानी में रख देते हैं, और जब डिलीवरी होने पे जो सरोगेट है वो बच्चा जिस कपल का है उसको दे देती है, और कपल उसके लिए इनको कंपनसेट करते हैं। तो कपल का चुनाव किस तरह से होता है, उस कपल के लिए सरोगेट का चुनाव किस तरह से होता है? ऐसे कपल्स को हम समझाते हैं, या एडिनोमायोसिस ऑफ यूट्रस हो, बच्चेदानी बहुत ख़राब हो गई हो, कि आपकी बच्चेदानी में बच्चा नहीं रुक सकता, आपको सरोगेट की ज़रूरत है। फिर कपल आइडेंटिफाई करके उसको ट्रीटमेंट के लिए डेट देते हैं, और उसी टाइम हमारे यहाँ एक दूसरे की सुन के बाय वर्ड ऑफ माउथ सरोगेट आती है, क्योंकि अभी हम 10 साल से ये कर रहे हैं। तो जो सरोगेट आती है उसका पहले साइकोलॉजिकल काउंसलिंग होता है फैमिली के साथ, हस्बैंड या मदर फादर जो आए। क्या सरोगेट की लाइफ को कोई रिस्क थोड़ी रहता है? जैसा नेचुरली डिलीवरी प्रेगनेंसी में रहता है उतना है। ये बताइए इसमें कुल कितना खर्चा होता है, और क्या ये देश टू देश डिपेंड करता है या नॉर्मली ऑन एन एवरेज सेम रहता है? थोड़ा बहुत फॉरेनर का बढ़ जाता है, अराउंड वी वुड से 10-14 लाख जितना खर्चा हो जाता है। जिसको मैं ममता का मंदिर कहता हूँ या ममता का घर कहता हूँ, लोग उसको बेबी फैक्ट्री कहते हैं, आप क्या कहते हैं? बेबी फैक्ट्री, रेंट अ वूम, मैं बोलती हूँ रेंट अ वूम नहीं, गर्भदान बोलो। 9 महीने के लिए वो अपनी बच्चेदानी का दान किसी को देती है। दान शब्द इज ऑलवेज बेटर देन किराए की कोक। बेबी फैक्ट्री इज ऑल्सो वेरी बैड। सरोगेट हाउस तो हमने देखा, अब आपको मिलाता हूँ सरोगेट मदर से, जो कुछ साल पहले सरोगेट बनी थी। आइए चलते हैं उसके घर। नमस्कार जी। नमस्ते। आ सकते हैं? आ जाओ। आज आपसे मिलने आ गए हम। 3 महीने के बाद सोचा, फिर बाद में मैं सरोगेसी बनी मेरे मकान के लिए। मेरे खुद का मकान नहीं था, सरोगेसी बनकर मैंने मकान ले लिया। तो आपके पति थे तब? नहीं, मेरे पति एक्सपायर हो गए थे, बाद में किया, पहले नहीं। मेरे पति एक्सपायर हो गए, बाद में मैंने सरोगेसी बनी और 1 साल में मकान ले लिया। तीनों बच्चियों को पता था? तीनों बेटियों को पता था। बड़ी बेटी 9वीं क्लास में पढ़ती थी, वो बाल मंदिर में थी छोटी, और सेकंड 5वीं क्लास में। तो क्या हुआ था, लड़का हुआ था, लड़की हुई? लड़की हुई थी। देखी थी आपने? देखी। जब उससे बिछड़े तो कैसा लगा? रोई थी। रोई थी, थोड़ा दुख हुआ था, लेकिन देना पड़ता है ना। उसका भी बच्चा नहीं था, तो उसको बच्चे के लिए किया था। मैंने पैसा नहीं था मेरे पास, तो मेरे घर के लिए, पैसे के लिए किया था। शेवा क्या करती हो तुम? घर पे हूँ। अभी पढ़ाई के बारे में बताओ। 10वीं परीक्षा भी। आगे क्या बनना चाहती हो? नर्सिंग। नर्स बनना चाहती हो? सरोगेसी के बारे में जानती हो तुम? नहीं जानती।
तो मेट्रोपोलिस व्यूअर्स, ये था आनंद, आनंद शहर आने का, वो आनंद जो कि बे औलादों को औलाद देने से प्राप्त होता है। तो आनंद का सफर यहीं होता है खत्म, फिर मिलेंगे कहीं और किसी और मंजिल के लिए, तब तक नमस्कार।